देश में कई दिनों बाद कोरोना वायरस के नए मामले 40,000 से कम दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,164 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले दिन 38,660 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। देश में अब तक कोरोना से 4.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। जानिए ताज़ा आंकड़े क्या हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले दिन कोरोना से 499 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अब तक कोरोना से 4,14,108 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 4,21,665 हो गई है, जबकि अब तक 3,03,08,456 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 3,11,44,229 मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में अब दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.61% है। अच्छी खबर ये है कि दैनिक पॉजिटिविटी रेट लगातार 28 दिनों से 3% से कम है। रिकवरी रेट बढ़कर 97.32 हो गई है। बता दें कि देश में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक वैक्सीन की 40,64,81,493 डोज दी जा चुकी हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 14,63,593 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद कल तक कुल 44,54,22,256 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।